ऑल गुड ओहो मैं ऑनलाइन शो नहीं हो रहा क्या मैं ऑनलाइन शो हो रहा हूं बच्चों आई एम नॉट शोइंग ऑनलाइन यार मैं ऑनलाइन शो नहीं हो रहा हूं चलिए जी मैं ऑनलाइन आ गया हूँ ठीक है आई होप सबको मेरी आवाज़ जो है वो आ रही होगी ठीक है फाइन तो काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे साथ और अभी राज हाय मोनटेक हाँ सही कहा मोनटेक सिंह ये क्लास टेन का टॉपिक है वो गलती से क्लास नाइन्थ एक्चुअली उनको नाइन्थ एंड टेंथ लिखना चाहिए था एन भी बट लिखा नहीं उन्होंने कोई बात नहीं ठीक है सो क्लास टेन का धमाकेदार टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आई एम योर होस्ट एंड दोस्त शुभम सर आवाज आई रही होगी आप सभी को माइक चेक चलिए जी आवाज आ रही है सो एज यू ऑल नो माय नेम इज शुभम पुरोहित एंड आई डिड बी टेक फ्रॉम कोटा राजस्थान एंड आई हैव अ फाइव इयर्स ऑफ केमिस्ट्री एज अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एज अ केमिस्ट्री फैकल्टी ठीक है बेटा मैंने काफी सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रखा है फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा मार्क्स हो गया बंसर क्लासेस हो गया एक्स एल एन फैकल्टी रह चुका हूं मैं ठीक है और अभी प्रेजेंटली मैं अन अकेडमी पर पढ़ा रहा हूं ठीक है और आप सभी लोगों की हेल्प कर रहा हूं घर बैठे चलिए जी बेटा स्टार्ट करते हैं काफी सारे बच्चे आ गए हैं सक्षम सिंह हाय बेटा वेदिका हाय और संकेत हाय बेटा रामानुजन गुड इवनिंग बेटा रामानुजन मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ आप कैसे हो रामानुजन चलो ठीक है वो क्या है एक्चुअली मेरे मोबाइल में शो नहीं हो रहा एक्चुअली क्या होता है कि स्क्रीन जो है ना वहाँ पे शो नहीं होता वहाँ पे सिर्फ मैं पढ़ा सकता हूँ तो मोबाइल में देख के पता लगाना पड़ता है मैं ऑनलाइन हूँ कि नहीं है ठीक है चलो संकेत ने बोल दिया यू आर ऑनलाइन सर चलो गुड थैंक यू सर बिल्कुल संकेत अपन कार्बन कंपाउंड स्टार्ट कर रहे हैं सो वेलकम टू लेट्स स्क्रैक फाउंडेशन एंड एन टी एस सी विद इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म डेट इज अन अकेडमी डन सो डेफिनेट बात है इसमें आपको क्या मिलता है लाइव टेस्ट लाइव क्लासेस मिल सकती है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आप खेल सकते हैं बेटा और टॉप मोस्ट एजुकेटर से आप डायरेक्टली घर बैठे इजीली बिना कहीं जाए आए रिस्क लिए आराम से बैठ के विद्या प्राप्त कर सकते हैं इजी जो हम नहीं कर सकते थे हमारे टाइम पे तो ये बहुत ही अच्छी है टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे अपन ठीक है और स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जस्ट फोटू एज़ टू डाउनलोड द अन अकेडमी लर्निंग ऐप ठीक है ये रिवाज सारे मैं बताने पड़ते हैं ठीक है प्ले स्टोर से इसको क्या करना पड़ेगा डाउनलोड करना पड़ेगा ठीक है जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ पुराने बच्चों को यह सब पता है वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ और ट्वेंटी फोर मंथ का हमारे पास प्लान है ये सारे फीस स्ट्रक्चर गिवन है ही सही ठीक है बेटा सो आई सजेस्ट यू टू टेक टू ईयर्स या फिर इधर वन ईयर वाला प्लान लो या फिर टू ईयर्स वाला प्लान लो होता क्या है बेटा ना इसमें देखो वन ईयर का पे स्केल इतना है और टू ईयर का इतना है तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ठीक है बहुत दो तीन चार दो तीन हज़ार का नियर अबाउट डिफरेंस है साढ़े तीन के पास मानो सो so, आप यहाँ पे देखोगे बेटा आपको दो साल यानी कि एक साल एक्स्ट्रा मिल रहा है उसमें अगर आप देखोगे तो इसमें ट्वेंटी वन थाउजेंड तो है ही इसका फीस स्ट्रक्चर मगर अगर ये वाला आप कोड अप्लाई कर देंगे शुभ एलेवन नाम का तो आपको यू विल गेट ए टेन परसेंट एडिशनल ऑफ ऑन दिस फीस स्ट्रक्चर कोई सी भी फीस स्ट्रक्चर पे आप एडिशनल टेन परसेंट पा सकते हो ठीक है क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो ये वाला कर सकते हो ये दोनों तीनों वाला ठीक है क्रैश कोर्स मतलब शॉर्ट टर्म कोर्स ठीक है मगर आई सजेस्ट यू टू टेक टू ईयर्स प्लान डन आगे मूव करते हैं पहला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे टेंथ क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अच्छा आदित्य आप रामानुजन नाम से हो क्या ठीक है ओके आदित्य गुड इवनिंग बेटा आदित्य कुशाग्र हेलो बेटा मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ कुशाग्र पूछने के लिए शुक्रिया आप कैसे हैं कुशाग्र खुशी वसन बिल्कुल खुशी बिल्कुल सही है आप जैसे बोलेंगे वैसे ही होगा ठीक है ठीक है ड्राइंग अकेडमी गुड इवनिंग बेटा चलो खुशी तो कानों में चुभने वाले ईयरफोन जो है वो डाल लो तो आज याद चालू करते हैं कार्बन एनिट्स कंपाउंड सभी को पता है कि कार्बन जो हो है ठीक है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है छे और एटॉमिक मास की बात करें तो अपन कितना होता है ट्वेल्व लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था ये होता है ग्राम पर मोल डन अपन प्रो केमिस्ट्री पढ़ेंगे आज ठीक है प्रॉपर मगर बेसिक से ठीक है ये आप एन का नहीं कह सकते हो ठीक है इसको जस्ट आप टेंथ लेवल का कह सकते हो ठीक है पहले ही बता रहा हूं मैं तो कार्बन इन इस, कार्बन क्या होता है डेफिनेट बात है ये एक नॉन मेटल है जिसका सिंबल क्या होता है बेटे सी ठीक है एंड इट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन इज डेफिनेटली टू कॉमर फोर सभी को इतना आइडिया है बेटा जब एटॉमिक नंबर ही छे होगा या तो आपको ऑलरेडी आता होगा ठीक है वैसे आपने पढ़ा भी है कई सारी जगह प्रोटॉन्स छे होंगे इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन्स भी छ होंगे तो डेफिनेट बात है इलेक्ट्रॉन अगर छे हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन टू कॉमा फोर होगा ये बड़ा यूनिक है ये बड़ा वर्साटाइल है क्यों है इसका वजह बताता हूं मैं अभी आपको कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच आर नोन एस हाइड्रोकार्बन ठीक है क्योंकि कार्बन क्या करता है बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, बहुत सारे किसकी हेल्प से हाइड्रोजन की हेल्प से इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बेटा कहा जाता है हाइड्रोकार्बन डन सो कार्बन फाउंड इन द एमोस्फेयर इन साइड दर्थ अर्थ ठीक है कार्बन मिलता है अर्थ क्रस्ट में मिलता है ठीक है एंड इज इन इन ऑल लिविंग डन जिससे कि आपको याद है कार्बन डेटिंग का नाम सुना होगा ठीक है तो कार्बन डेटिंग C14 फोर्टीन रेडियो एक्टिव आइसोटोप के थ्रू की जाती है जिससे सटीक पता लगाया जाता है इनफैक्ट ये तक पता लगा गया लगाया जा चुका है कि कार्बन की हेल्प से कार्बन के फोर्टीन वाला आइसोटोप की हेल्प से उसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट करके ये तक पता लगाया जा चुका है कि जो ताजमहल है वो एक्चुअल में तेजो महल एक्चुअली कहलाता था ठीक है वो एक शिव मंदिर कहलाता था ठीक है ताजमहल की बात बता रहा हूँ तो क्योंकि उसमें जो भी लगे पुराने जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी कार्बन डेटिंग साइंटिस्ट ने करी है मैं अब बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा आज आपको संकेत हाय बेटा हर्ष मिश्रा हाय हेलो गुड इवनिंग हर्ष क्या हाल है चलिए जी नेक्स्ट अपन करते हैं कार्बन इज प्रेजेंट इन फ्यूल्स लाइक जैसे वुड में होता है वुड वुड में कैसे होता है जैसे सेल्यूलोस की अगर बात करें उसकी भी छोटी यूनिट लें अपन ग्लूकोस तो डेफिनेटली सी सिक्स एस ट्वी सिक्स एस फॉर्मूला होता है तो उसमें भी कार्बन है तो सर ही ना कोल होता है बेटा चारकोल है कोक है कोक में मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था नाइन्टी कार्बन पाया जाता है इसको कोक को हम पाए हम पाते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो आपने एट्थ में जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा पेट्रोलियम है पेट्रोलियम जो होता है ना बेटा जो हम अपन गैसोलीन डलाते हैं अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलाते हैं एक्चुअली में उसको पेट्रोलियम बोलेंगे तो उसमें भी हाइड्रोकार्बन ही होता है हेप्टेन से नीचे की सारी चेन को हम क्या बोलेंगे आप कह सकते हैं कि वो गैसोलीन के बाद सारी चेन आ, आनी स्टार्ट हो जाती है नेचुरल गैस सभी को आइडिया नेचुरल गैस जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन है इथेन बायोगैस हो गई मार्श गैस को हम क्या बोलते हैं मिथेन सी एच फोर अब ये नाम मार्श गैस क्यों पड़ा बेटा क्योंकि ये जो मिथेन गैस है ना ये मिथेन का नाम मार्श इसीलिए पड़ा बेटा क्योंकि ये मार्शी एरिया में मिलती है अब मार्शी एरिया क्या होते हैं सभी को पता है दलदल वाले इलाके कीचड़ वाले इलाके ठीक है डन हाँ हर्ष बिल्कुल बढ़िया हूं मैं एकदम बढ़िया हूँ अब फिर भी ठीक है महसूस कर रहा हूँ चलो अंश भी मस्त है एकदम आई एम फाइन सर एंड यू मैं भी बढ़िया हूँ अंश आपको देख के और बढ़िया हो जाता हूँ मैं है ना मुझे अच्छे लगते हैं आपको पढ़ाना अच्छे बच्चों को पढ़ाना कार्बन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड लाइक कार्बोनेट डेफिनेट बात है सी ओ थ्री माइनस टू को क्या बोलते हैं अपन बेटा कार्बोनेट तो इसमें भी कार्बन पाया जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट याद है बाई uh, कार्बोनेट का फॉर्मूला है सी थ्री माइनस वन होता है तो बेटा इसमें भी कार्बन है तो मैं आपको बता रहा हूँ अकरेंस कहाँ कहाँ हमें कार्बन जो है वो मिलता है तो मैंने आपको ये सारी बातें बता दी कार्बन इज ऑल्सो फाउंड इन फ्री स्टेट एज डायमंड रेफाइड एंड फुलरीन कार्बन हमें अकेला भी मिलता है ऐसे नहीं कि कंबाइंड स्टेट में ही मिले वो कार्बन हमें अकेला भी मिलता है फॉर एग्जाम्पल जैसे डायमंड हो गया ठीक है डायमंड कार्बन का मिलके बनता है मगर बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर और अधिकतम प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में ही जो है डायमंड होता है ठीक है ऐसे ही नहीं होता गाड़ दो जमीन में थोड़ा सा प्रेशर लगा और हो गया नहीं होता ग्रेफाइट है फिर ग्रेफाइट फॉर्म में भी मिलता है अभी अपन पढ़ेंगे सारा और फुलरीन है अभी फुलरीन क्या बोला है जैसे कार्बन की फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है कार्बन के सिक्सटी एटम्स हैं कार्बन के सेवेंटी एटम्स हैं सेवनटी टू एटम्स हैं ये सारे कंबाइंड हो के एक जगह एक्यूमेट होके कुछ फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर बनाया वो उसका डायग्रामेटिकली अभी बताऊंगा मैं आपको बहुत अच्छे से फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसको बोलते हैं बेटा फुलरीन और ग्रेफाइट से बेटा आपके पेंसिल की जो नोक होती है ना वो उसमें ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर होता है ठीक है और हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस भी डायमंड है ही हार्डेस्ट नॉन नॉन मेटल है ठीक है अच्छा ये बता दूं मैं आपको कार्बन के सबसे इंपॉर्टेंट तीन आइसोटोप है आप ऑलरेडी जानते हो आप सभी लोग ठीक है आइसोटोप ऑफ कार्बन कितने हैं थ्री पहला क्या कहलाता है देखो कैसे लिखते हैं इसको बेटा सिक्स सी ट सी थर्टीन और सिक्स सी फोर्टीन डन इसमें इन आइसोटोप्स की खासियत की अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है इसमें बेटा होता है प्रीति वर्मा हाय बेटा तो अपन देखते हैं बेटा इसमें तीन आइसोटोप्स हैं और आइसोटोप्स की अगर हम बात करें बेटा तो इसमें सबसे कॉमन चीज क्या है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की न्यूट्रॉन बताओ जल्दी बताओ एक डाउट आया वो पूछते हैं कि सर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड क्या होता है ओ हो हो अरे बेटा इसका तो फुल फ्रेम होता है ना टंगस्टन से भी ज्यादा होता है का होता और नियर अबाउट होता है फोर थाउजेंड हंड्रेड नियर अबाउट फोर था डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है ठीक है तो बड़ा इसको तपाना पड़ता है जब जाकर मेल्ट होता है ऐसे नहीं होता क्योंकि हार्डेस्ट सब्सटेंस है और हार्डेस्ट क्यों क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसने इस ये तपा है टेम्परेचर में बहुत ही ज्यादा प्रेशर झेला है इसने आपने वो कहावत सुनी है आग में तपकर ही सोना कुंदन बन जाता है तो वो आप लोग बन जाओ ठीक है इतनी मेहनत करो कि क्या बताऊं मैं सेम क्या है इसमें प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है मगर फर्क का किसका पड़ता फर है फर्क इसमें पड़ता है ओनली ऑफ देयर न्यूट्रॉन्स देखो इसमें भी छह हैं और इसमें भी हैं मगर अगर आप यहाँ पे देखेंगे बेटा न्यूट्रॉन हर एक के केस में तो वो चेंज होगा तो एन में ये भी तक था छोटा मोटा क्वेश्चन आ ही जाता है कि डिफरेंस क्या होता है तो आप कन्फ्यूज होते हो ना बारह में से छह गए तो डेफिनेटली छः बचेंगे न्यूट्रॉन तेरह में से छः गए तो कितने बचेंगे नियर अबाउट सेवन फोर्टीन में से सिक्स गए तो नियर अबाउट एट बचेंगे तो सबका न्यूट्रॉन्स अलग होता है आइसोटोप का तो ये इनमें डिफरेंस होता है ठीक है क्या होता है ये डिफरेंस तो आपसे पूछा जाए तो जरूर ये लिख के आ जाना डन सो नेक्स्ट मूव करते हैं वाई कार्बन ओनली फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड सबसे तीन नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है ये इसलिए मैं इस पर प्रकाश डाल के इसको पढ़ा रहा हूँ एनसीआरटी में भी ये अच्छे से मैंशनड है बेटा मैं एनसीआरटी को भी प्योरली फॉलो कर रहा हूं ठीक है प्रीति वर्मा प्रोटॉन बेटा प्रीति मैंने आपको समझा दिया ये प्रोटॉन नहीं होता बेटा प्रोटॉन तो देखो ना सब में सेम होता है ड्रॉइंग अकेडमी ने भी प्रोटॉन बोला बेटा प्रोटोन इज नॉट अ राइट आंसर डिफरेंस इज ऑफ द न्यूट्रॉन ठीक है ये आ सकता है एक नंबर का क्वेश्चन तो अब आप सही इसको करके आओगे तो संकेत जादव ने मेल्टिंग पॉइंट बता दिया साढ़े तीन हजार संकेत ये तो उसका होता है वुल्फ यानी कि टंगस्टन का बताया मैंने साढ़े तीन हजार के नियर अबाउट होता है मैं आ, बेटा प्रश्न ये पूछा गया था इन्होंने जयचंद्र ने पूछा था कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट नियर अबाउट चार हजार समथिंग होता है फोर थाउजेंड फिफ्टी के आसपास होता है ठीक है इतना हीट करके वो मेल्ट हो जाता है कहने का मतलब है और साढ़े तीन हजार तक तो का तो मैंने बल्ब में फिलामेंट लगता है ना टंगस्टन उसका बता रखा है डन आगे मूव करें चलिए जब बेटा मैं जैसे कोचिंग्स uh, में बोर्ड्स पे पढ़ाता था ना वैसे ही पढ़ाऊंगा आपको है ना ऐसे वैसे तड़कीली भड़कीली स्लाइड लगा के ऐसे आपको वैसे नहीं पढ़ाऊंगा ठीक है प्रॉपर कोर स्टडी आज ठीक है आज नहीं मेरी क्लास में तो हमेशा रहती है देखो बताया ना अंश मैंने बताया इट इज यूज फॉर मतलब आप कह सकते हो कार्बन डेटिंग की हेल्प से अपन अ, हाफ लाइफ निकाल सकते हैं आइसोटोप्स का यूज ही तो है कि आपको इतने करोड़ों साल पुरानी चीज मतलब पत्थर है उस पत्थर कब बना था ये जो मैंने अभी आपको बताया ताजमहल का नाम आप क्या बोलते हो आप जैसे कोई आगरा जाओगे ताजमहल में कोई गाइड पकड़ोगे ना तो गाइड यही बोलेगा अरे ताजमहल है इसको शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनवाया था ये है वो है इन्होंने बनाया था फिर इनका बेटा ने करा अरे कुछ नहीं है बेटा शिव मंदिर था ये इसको आइसोटोप्स की हेल्प से विद यही तो एप्लीकेशन यूजेज है इसका सर यूजेस क्या है इसका पता लगाना कि वो चीज पुरानी कितनी है वो आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे विद हेल्प ऑफ हाफ लाइफ ठीक है अभी के लिए इतना ही जानो एज किसी भी चीज की एज निकालने का यूज होता है आइसोटोप ठीक है यूजेस बता दिए मैंने फैजान अभी उसका भी आएगा आप जो पूछ रहे हो अलकाइट का पहले मेरे को बेसिक टॉपिक पढ़ाने दो जितने भी बच्चे हैं बेचारे टेंथ वाले हैं ना हाँ संकेत बिल्कुल सही है नियर अबाउट इतना होता है गुड बेटा चलिए मैं आपको पढ़ा रहा था कार्बन फॉर्म जोनलीवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बेटा आयनिक बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बहुत सारे बॉन्ड होते हैं तो वो यही क्यों बनाता है उसका वजह समझो द एटॉमिक नंबर डेफिनेटली सभी को पता है कार्बन का छह होता है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कितना होता है टू कॉमा फोर और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं चार डेफिनेट बात है इट हैज टेंडेंसी टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगुरेशन यानी कि वो चार से आठ करना चाहेगा है ना अरे वो भूखा है चार इलेक्ट्रॉन का और तो चार इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ठीक है या तो उसके पास एक ऑप्शन है या तो गेन कर ले चार इलेक्ट्रॉन या बेटा वो क्या करे लूज कर ले इलेक्ट्रॉन को इतना मानते हो ठीक है वही लिखा है मैंने इट कुड गेन फोर इलेक्ट्रॉन इट कैन अटेन स्टेबिलिटी बाय गेनिंग फोर इलेक्ट्रॉन ठीक है या फिर इट विल लूज फोर इलेक्ट्रॉन तो होगा क्या या फिर ये शेयर करता है इन चारों में से क्या करता है बेटा जवाब इसका है शेयरिंग करता है आप सभी को पता ही ऑलरेडी ठीक है क्योंकि टेंथ क्लास में तो इतना तो पता होना बनता ही है अब इसका लॉजिक क्या है बेटा अंश कुमार चलो गुड बेटा है ना वेरी गुड अंबर सिंह मैं एग्जैक्ट डेट आपको ना देख के बताऊंगा यार इसका एग्जैक्ट डेट मुझे एक्चुअली पता नहीं पड़ी एन वाली ठीक है बट जैसे ही पता चले कि मैं आपको जरूर इसमें शो कर दूंगा अच्छे से मोहनंदा चक्रवर्ती हाय बेटा क्या हाल है ऑल गुड चलो बट इट देखो अब क्या करता है वो ना तो वो गेन करेगा ना लूज करेगा बच्चों बताओ लॉजिक क्या है वो गेन और लूज क्यों नहीं करता देखना बेटा मैं एक बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेशन से बताता हूँ आपको हमारे पास क्या है कार्बन का एटम है इस एटम के अंदर न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है डन और यहाँ पे शेल्स हैं है ना जिसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कितना है टू कॉमा सिक्स ये थोड़ा सा गलत बन गया है कार्बन आइटम है इसका ई कितना है टू कॉमा फोर यानी कि दो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में और चार इलेक्ट्रॉन कितने नेक्स्ट शेल में कितने हैं चार इलेक्ट्रॉन ये कुछ इस तरह से घूम रहे हैं ठीक है जो आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं अपन तो बेटा क्या होगा अगर ये चार इलेक्ट्रॉन गेन कर ले ठीक है अगर ये ऐड करेगा चार इलेक्ट्रॉन को यानी कि चार इलेक्ट्रॉन का अटैक हो रहा है है ना तब क्या होगा क्या ये अटेन कर लेगा क्या नहीं करेगा ठीक है चार इलेक्ट्रॉन गेन करके टू कॉमा एट नहीं बनाएगा यानी कि पहले कार्बन एटम था सिंपल अब ये सी माइनस फोर आयन बन बन जाता है ठीक है अगर ये गेन करता तो बट इट विल नॉट करेगा ही नहीं क्यों बेटा यहां पे लॉजिक पढ़ो यहां पे न्यूक्लियस कितना है प्रोटॉन डेफिनेटली अपने पास है छ इलेक्ट्रॉन थे ऑलरेडी छ मगर इस केस में प्रोटॉन क्या है प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता बेटा प्रोटॉन छः का छ ही रहता है ठीक है और अब नेक्स्ट अगर आप देखेंगे बेटा तो टू कॉमा सिक्स से टू कॉमा सॉरी टू कॉमा फोर से टू कॉमा कितने हो गए एट यानी कि दस इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है छह प्रोटॉन है ये दस इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते ये लॉजिक लिखा गया है इस डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर से देखना आप लोग है ना आप इसको पढ़ो ये लिखा मैंने डज नॉट गेन फोर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कार्बन एनायन ये सी माइनस फोर जिसको हम कार्बन एनायन बोलते हैं वो नहीं बनाएगा क्यों बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर द सिक्स प्रोटोन टू होल्ड ऑन टू टेन इलेक्ट्रॉन ये वाले स्ट्रक्चर से देख लो भाई छह प्रोटोन दस इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे बात ही खत्म हो गई ठीक है तो आपको लिख के आना है कि डेफिनेटली वो लेगा तो नहीं सबको समझ में आ रहा है जयचंद्र फिर देखो बेटा चलो तलकेश्वर प्रसाद हाय बेटा बेटा मैं अपडेट मिलते बताता हूँ एनटीएससी टी की ना आप चिंता मत करो मैं आते ही बताऊंगा मेरे पास मेरे को पता चलने दो बस एक बार फिर मैं आप तक पहुंचा दूंगा वो है ना चलिए जी नेक्स्ट करते हैं तो आई होप सबको पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा डन दूसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ बेटा मैं तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है इट डज नॉट लूज फोर इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लूज फोर इलेक्ट्रॉन क्या कह रहा है डायग्रामेटिकली समझना बेटा ये कह रहा है एक बार मैं फिगर प्रॉपरली बना लूँ एग्जैक्टली exactly क्या होता है कि मेरे पास पेंट टैब है ना तो वो एग्जैक्ट चलो ठीक है टू इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है और चार इलेक्ट्रॉन अपने पास ये घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन ठीक है इसके अब ये कह रहा है या तो वो गेन करता पहले में ठीक है ये गेन कर रहा है अब दूसरा केस है अपने पास ये लूज कर रहा है माइनस फोर इलेक्ट्रॉन ये, कि ये, भी जा रहा है, ये भी लूज हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन भी, भी, भी लूज हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन भी लूज हो रहा है तो क्या ये कर पाएगा, पाएगा। क्योंकि तो सोडियम है सोडियम का एटॉमिक नंबर uh, कितना होता है ग्यारह तो कॉन्फ्यूशन टू कॉमा एट कोमा वन होता है सभी को इतना आइडिया बड़े हो गए तो एक इलेक्ट्रॉन तो लूज कर पाना आसान है थोड़ी सी एनर्जी मिली कर दिया लूज दो इलेक्ट्रॉन भी लूज करना है। चलो ठीक है आसान है मतलब एक के मुकाबले ज्यादा एनर्जी लगेगी मगर हो जाएगा काम जैसे मैग्नीजियम ट्वेल्व जो है उसका एटॉमिक नंबर होते हैं बेटे तो टू कोमा एट कोमा टू कॉन्फिग्रेशन होगा तो दो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पहले निकालेगा फिर और एनर्जी लगानी पड़ेगी तो और निकाल देगा चलो ठीक है मामला हो गया स्टेबल हो गया मैग्नीजियम स्टेबल हो गया और तीन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी लगानी है मगर चार इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो कुछ ज्यादा ही एनर्जी चाहिए वो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होती है ठीक है यही लिखा है इट डज नॉट लूज फोर इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लूज फोर इलेक्ट्रॉन डन इसीलिए बेटा ये क्या करता है चलो संकेत थैंक यू पूर्ण लिख रहे हैं वाई सर वाई डिफिकल्ट टू होल्ड बता दिया बेटा मैंने लॉजिक बताया बताया होल्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि छः प्रोटॉन्स दस इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते अनइवन हो गया ना मामला पॉजिटिव नेगेटिव का डिसबैलेंस हो गया तो वो नहीं कर पाएंगे वो निकल जाएंगे फिर इलेक्ट्रॉन आयुष विकास हेलो बेटा संकेत कह रहे हैं नाइस टीचिंग सर थैंक यू सो वेरी मच संकेत वापस से कलकेश्वर हाय अच्छा अब ना तो ये ले रहा है ना ये दे रहा है क्या करेगा ये भंगड़ा करेगा क्या नहीं करेगा ये क्या करेगा शेयर करेगा क्या करेगा शेयरिंग होगी अब शेयरिंग कैसे होगी सभी लोगों को वैसे पता है मगर मेरे को बताना पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर है सो इट शेयर फोर इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स टू अटेन स्टेबिलिटी तो डेफिनेट बात है स्टेबल करने के लिए शेयरिंग करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवल बॉन्ड सिंस कार्बन एटम नीड्स फोर इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी इट्स वैलेंसी इज फोर एंड इट इज टेट्रावेलेंट मैं अभी आपको वेसाटा नेचर पूरा पढ़ाने वाला हूं क्या होगा देखो यहां देखना तो आपको पता चल गया ना तो गेन कर रहा ना लूज कर रहा अब होगा बेटा शेयरिंग का केस शेयरिंग कैसे करेगा बेटा सभी को आइडिया इतना है कि हाँ भाई हमारे पास क्या है कार्बन है जिसका टू कॉमा फोर है कॉन्फिगुरेशन ठीक है अवॉइड करना डायग्राम के जो गोले ठीक है ये एग्जैक्टली मेरे पास पेंट जो होता है ना ये स्लाइड करता है तो गोले परफेक्टली नहीं बनते मेरे से बोर्ड पे और चौक से तो बन जाते थे बट इसमें दिक्कत तो नहीं आती इतनी मगर फिर भी फिसलता है इसमें ठीक है अभी देखना बेटा यहाँ पे इसके पास चार इलेक्ट्रॉन है ठीक है आसानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं लिख सकता हूं ना देखो दोनों फिगर को मैच करो आराम से लिख सकता हूं मैं अब देखना बेटा अब यहां पे अगर हमारे पास हाइड्रोजन है ठीक है एक हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन है तो इलेक्ट्रॉन भी वन होगा सभी को इतना आइडिया है प्यारे बच्चों सभी को पता है ना इजी सा टॉपिक है बेटा है ना इसको आप लोग लिटिड भी कर सकते हो मगर करना मत क्योंकि ये इतना भी ऐसा लगने लगता ही है बस मगर जब गलतियाँ करोगे ना आप इसमें तब पता चलेगा अरे आराम से पढ़ लेते अपन तो है ना इसलिए कह रहा हूँ इसको ध्यान से समझना अब ये जो चार इलेक्ट्रॉन है ना रेड में मैंने यहाँ पे लिख दिए एक दो तीन और ये चार इलेक्ट्रॉन ये रहे ये रेड में मैंने बना दिए अब हाइड्रोजन के तो डेफिनेट बात है एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये एक से भले दो करेगा तो दो करने के लिए ड्यूपलेट स्ट्रक्चर बनाएगा बेटा क्या बनाएगा ड्यूपलेट ये बन गया ड्यूपलेट ये भी क्या करेगा शेयरिंग करेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, का शेयर हो जाएगा और हाइड्रोजन का किस पे स्टेबल हो जाएगा बेटा पहले शेल में हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन है अभी मगर ये अपने पहले शेल मतलब सेटिस्फाई करने ऑक्टेट सॉरी इसको नोबल का ऐसा कॉन्फ्यूजन अचीव करने के लिए बेटा एक से भले दो करेगा ना डुप्लेट बोलते हैं जिसको तो वो हाइड्रोजन करेगा सो so, बेटा यहाँ पे देखेंगे आप कि ये भी हाइड्रोजन दो कर देगा ये भी हाइड्रोजन दो कर देगा सारे के सारे बन गए डुप्लेट जिसको हम बोलते हैं डुप्लेट ठीक है यानी कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बेटा ड्यूपलेट ग्रीन में देख लो मैंने लिख चुका हूं ड्यूपलेट अब यहां पे देखेंगे बेटा आप तो टोटल मिला के कार्बन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन है देखो, कितने हो गए आठ हो गए ना तो इसको बोलेंगे बेटे ऑक्टेट ये एक ये रहा दो तीन चार पांच छ सात और आठ ऑक्टेट इसी चीज में सारे के सारे कंपाउंड्स बनते हैं ठीक है अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश में इस सारे इलेक्ट्रॉन का देन कोई आयनिक कंपाउंड देता है लेता है ठीक है कोवलेंट कंपाउंड की बात करें तो बेटा इसमें शेयरिंग होगी ठीक है ध्यान रखना अब अभी शेयरिंग का तात्पर्य क्या है यह कंप्लीटली दे रहा है जो हाइड्रोजन है ना ये अपना इलेक्ट्रॉन पूरा थोड़ी दे रहा है उसको ये तो हाइड्रोजन के पास भी है और कार्बन के पास भी उसी चीज का नाम है शेयरिंग समझ में आ रहा है सौम्य हाँ बेटा के शेल में अभी हाइड्रोजन के पास ओनली वन इलेक्ट्रॉन थे तो एक से भले उसने दो बनाए एक से ज्यादा स्टेबिलिटी दो पे होती ही। है हीलियम को देख लो हीलियम का आप देखेंगे बेटा तो दो होता है ऑलरेडी इट इज नोबल गैस क्या होती है नोबल गैस इसको ना तो किसी का देना है ना किसी का लेना है ऑलरेडी स्टेबल है क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दो है पहले शेल में डन स्क्रीन का स्नैपशॉट ले लेना हो सके तो आप ठीक है क्योंकि ये जो टेक्निक मैंने बताई है ये जो पूरा डायग्रामेटिकली पूरा बनाई ये इसका एक्सप्लेनेशन है इस पूरी थ्योरी का और ये पूर, पूरी थ्योरी का क्वेश्चन आ चुका है मगर कई लोग क्या करते हैं अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो पूरा का पूरा जो है वो उल्टा पुल्टा तीन में से तीन नंबर का है तो कई लोगों को डेढ़ मिलते हैं तो अगर आप इस टेक्निक से चलोगे तो बहुत बढ़िया आपके नंबर आएंगे जयचंद्र अनमला बोल रहे हैं ऑक्टेट प्लीज ऑक्टेट का वापस रिपीट कीजिए करता हूं बेटा ऑक्टेट रिपीट देखो बेटा जयचंद्र मुझे बताओ कार्बन के पास सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे छह इलेक्ट्रॉन यहां लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन इज सिक्स तो मुझे बताओ पहला शेल में तो दो जाएंगे ना और दूसरे शेल में बचे कुछ चार जाएंगे तो पहले शेल में तो मैंने दो घुसा दिए और इस वाले सेकेंड शेल में मैंने चार लिख दिए देखो एक दो तीन और चार है यहां पे एक ठीक है दो तीन और चार इजी तो इस चार को क्या करने आठ करने इसकी क्षमता इस सेकेंड शेल की क्षमता आठ इलेक्ट्रॉन की है बेटा तो क्या करेगा ये डेफिनेट बात है इसको चार लेगा मगर मैंने अभी आपको बताया था चार गेन नहीं करता वो ठीक है ऐसे गेन ही नहीं करता इसीलिए बेटा उसको करना पड़ेगा शेयरिंग और शेयरिंग कैसे करेगा हाइड्रोजन के साथ अपना भी इलेक्ट्रॉन शेयर करके उसका भी इलेक्ट्रॉन शेयर करके इसीलिए एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसी के साथ हमारे पास बन गया है क्या डेट इज मिथेन एक कार्बन को चार हाइड्रोजन की आवश्यकता है देखो ये रहा, एक दो तीन और एक चार ठीक है चार हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट पड़ी ना इसीलिए इसका नाम पड़ गया मिथेन मतलब है मैथ मतलब एक कार्बन ठीक है और एन मतलब सब में सिंगल बॉन्ड है उसको बोलते हैं अल्केन फैमिली का पहला मेंबर बड़ा ही आसान टॉपिक है मुझे नहीं लगता मुझे कोई डाउट आया होगा इसमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बल्कि आपको आता हुआ है सारा बट कुछ बच्चे हैं जिसको जिनको टेंथ क्लास अच्छे से पढ़नी है टेंथ क्लास का ये चैप्टर बिगिनिंग से पढ़ना है उनके लिए मैं बता रहा हूँ चलिए जी डन चलो जयचंद्र को समझ में आ गया ओके बेटा वेलकम आगे मूव करते हैं बेटा बिना कोई टाइम गवाए ठीक है सो so, नेक्स्ट देखो बॉन्डिंग इसको रीड करो जब तक तो मैं पानी पीता हूँ थोड़ी बहुत जल्दी एक बार इसको पढ़ लो चलो संकेत बड़ा आसान था है ना हर्षल आज लेट हो गया कोई बात नहीं हर्षल चलता है अजिंक्य चौहान आ गए हाय बेटा अजिंक्य आप भाई देखो बहुत कुछ पढ़ना है देखो ये सब लेके आए कोवलेंट बॉन्ड एलोट्रॉप्स ये एलोट्रॉप्स पढ़ना है वर्साटेल नेचर करना है क्विज खेलना है अपन को आज अरे भाई जल्दी जल्दी करो पढ़ लिया कोवलेंट बॉन्ड चलो संकेत पढ़ लिया आपने तो आसान सी बात है अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड तो बेटा बॉन्डिंग कार्बन कंपाउंड में कैसे होती है पहला मैंने बताई दिया आपको ना आयनिक होती है नहीं होती है डेफिनेट बातें वो कोवरेंट बॉन्ड बनाता है गोवरन बॉन्ड कैसे शेयरिंग से पता चली गया आपको मैंने अभी अभी बताया था कैसे बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन ठीक है खत्म अब मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूं कोवरेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स खत्म यही समझाया था मैंने अभी आपको मैंने ये स्लाइड आपके लिए इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि अगर मान लो लिखने को आ जाए डेफिनेशन तब क्या लिख के आओगे तब यह लिखाना द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन से हो रही है और बॉन्ड बन रहा है तो उसको बेटा हम बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पता है आपको और शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड अगर दो इलेक्ट्रॉन है एक एटम में एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन है एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन है दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वो बनाएगा डबल बॉन्ड अभी बताता हूं कैसे एंड शेयरिंग ऑफ थ्री पेयर इज नोन एज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड अब सुनो इसका लॉजिक कैसे होता है चलो सॉम मिसिंग ओके बेटा तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्लासिफाई क्लासिफाई कर रहे हैं अपन किसको कोवलेंट बॉन्ड को ठीक है सो so, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवर बॉन्ड पढ़ो एक बार आसान है ये कह रहा है बेटा कि इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन वन एटम ठीक है अब कैसे होती है शेयरिंग ध्यान से देखना इसमें मैं थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग का भी टॉपिक घुसाऊंगा ठीक है सभी को इतना आइडिया है हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है एक और हाइड्रोजन नीड होगा आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो H2 टू मोलिक्यूल एज ए मॉलिक्यूल इसको हम क्या बोलेंगे बेटा वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस ठीक है सभी को इतना आइडिया ना वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस तो बेटा हाइड्रोजन अकेला क्यों नहीं एग्जिस्ट करता क्योंकि इसको ड्यूपलेट कंप्लीट करना पड़ता है एक और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बेटा ये क्या बना रहा है ड्यूपलेट और ये भी बेटा क्या बना रहा है डन तो दिस इज ठीक है नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है ठीक है यानी कि इसको नीड ही एक इलेक्ट्रॉन की थी हो गया अब वही कहानी पूरी यहां पे लिखी है एटॉमिक नंबर वन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वन होता है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बेटा इसमें मैंने आपको बता ही दिया एंड इट डेफिनेटली नीड वन मोर इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी अगर क्वेश्चन लिखने के लिए आए ना तब आप जरूर ये नोट्स और लिखना मुझे पता है आपको ये सब आता है बट लिखने के चक्कर में ये जरूर लिखना ठीक है लिख लिया तो टू हाइड्रोजन एटम शेयर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है डन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवलन बॉन्ड हो गया आसान है सेकेंड देखो डबल कोवलन बॉन्ड कैसे बनता है देखो बेटा जो दो बॉन्ड आते हैं ना वो क्यों आते हैं बताता हूं जैसे सबसे पहले डेफिनेशन क्या करें इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन वन एटम ठीक है एक पेयर बोला गया है ठीक है एक मिनट रुकना यहाँ पे थोड़ा सा टू आएगा ठीक है और यहां पे थ्री आएगा एक छोटी सी मिस्टेक है ना टू पेयर कैसे होता है देखो ध्यान से ऑक्सीजन है हमारे पास क्या है ऑक्सीजन तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एटली सिक्स तो छह इलेक्ट्रॉनों को दो इलेक्ट्रॉन की भूख और है तो डेफिनेट बात है यहां पे मैं लिवज डॉट सिंबल बनाता हूँ देखो इसका कैसे होता है ये ऑक्सीजन है छह आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है तो ये जो छ इलेक्ट्रॉन्स है वो देखो एक दो तीन चार पांच और छ इसको आठ करने के लिए बेटा एक और ऑक्सीजन के एटम की रिक्वायरमेंट है जो कि उसको दूसरे ऑक्सीजन से शेयरिंग करके मिलेगा देखो यहाँ पे इसके भी छह हैं तो ये क्या करेगा बेटा एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा और यहाँ पे यहां पे भी क्या होगा बॉन्डिंग बनेगी तो अगर आप टोटल देखो बेटा इसमें तो अब हो गया है ऑक्टेट तो इसी ऑक्टेट की कहानी है बेटा इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो दोनों ने अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया है और बना लिया है डबल बॉन्ड ठीक है चलो गुड आसान चीजें इसमें कोई टफ वाली बात नहीं है अब मेन चीज देखो अब क्या आती है नेक्स्ट तो ये पूरी कहानी आप पढ़ लेंगे मुझे लग, नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा ठीक है ये आप पढ़ लेना बड़ा आसान है नेक्स्ट देखो फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ठीक है इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन वन एटम एक एटम से तीन बॉन्ड्स जो है वो शेयर हो रहे हैं अब वो कैसे हो रहे हैं उसका लॉजिक समझना देखा कह रहा है द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना मैंने लर्न कराया था ना आपको बेटा सेवन होता है और डेफिनेटली इसका ईसी में इसका करके दिखाता हूं देखो यहां पे देखना इलेक्ट्रॉनिक इसका कितना होता है बेटा नाइट्रोजन का सेवन नंबर सेवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे टू कॉमा फाइव तो पांच इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे देखो एक दो तीन चार और पांच अब आप बोलोगे सर ऐसे भी तो आ सकते थे ना आपने तो ऐसे क्यों लिया एक दो तीन चार पाँच ऐसे आ सकते थे ना बट बेटा मैंने ऐसे ही क्यों लिए यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हैं, ये ही क्यों लिया मैंने मैंने इसलिए लिया बेटा क्योंकि मुझे इसमें तीन इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ये ये बहुत ध्यान से सुनना बेटा चलो ये बहुत चीज ध्यान से सुनना ठीक है हाँ मुझे पता बेटा बहुत आसान है अब मेरा क्वेश्चन समझे आप कि ये जो चीज़ है नाइट्रोजन ऐसे क्यों नहीं लिखा मैंने मैंने ऐसे ही क्यों लिखा क्योंकि इसमें पांच इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में और पांच को आठ करने के लिए बेटा तीन इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो यहाँ पे दूसरे नाइट्रोजन से कुछ मैं इस तरह से ही तो लिखूंगा देखो एक दो तीन तभी तो तीन इलेक्ट्रॉन इस पर आ पाएंगे तभी मैंने इसमें यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख दिया है डन इसका भी ऑप्टेट कंप्लीट इसका भी ऑप्टेट कंप्लीट हो गया बड़ा आसान है सिंगल का एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया है बेटा ये रहा डबल का ये रहा और ट्रिपल का ये रहा इट विल फॉर्म अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट क्यों क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल है नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और इधर भी नाइट्रोजन नॉन मेटल है डन बड़ा आसान टॉपिक है हो जाएगा ये है ना अब नेक्स्ट देखो एलोड्रॉप्स सुमन लता सुमन मेरा कनेक्शन बहुत सही है यार बफरिंग कैसे हो रही है श्रेयम झा कॉपी पेस्ट कर दिया ना मैम लिखा है आपने बहुत बढ़िया श्रेयम ये कॉपी पेस्ट की दुनिया है आपने जो लिखा है उसमें मैम लिखा है ठीक है चलो ठीक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन नेक्स्ट टॉपिक है तो एलोट्रॉपी क्या है बेटा एलोट्रोपिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म नोन एज एलोट्रॉप्स देखो जो चीज फिजिकली डिफरेंट हो मैं इसमें एक और लाइन ऐड करता हूँ फिजिकली डिफरेंट है मगर वो चीज केमिकली सेम है कहने का मतलब यह है बेटा जो आप पढ़ते हैं डायमंड ग्रेफाइट फुलरीन नैनो ट्यूब्स ये बहुत सारी चीजें हैं ये सारी कार्बन की मिलके बनी है ठीक है अब वो केमिकल उसमें आ, एलिमेंट तो कौन सा है कार्बन मगर फिजिकल फिजिकली आप देखो तो कार जो ग्रेफाइट है वो अलग है डायमंड अलग है बेटा फुलरीन तो एकदम अलग है तो ये सारे फिजिकली डिफरेंट है देखो इसलिए मैंने डेफिनेशन लिखी है एलोट्रॉप्स के ऊपर देखो फिजिकली दे ऑल आर डिफरेंट बट केमिकली दे ऑल आर सेम इजी नीरज कुमार हाय बेटा हेलो बेटा हाँ बेटा निखिल सीबीएसई बोर्ड के लिए फिलहाल है ये गुड इवनिंग नीरज ओंकार आ गए हैं बेटा कैसे ओमकार ऑल गुड हाय बेटा ओंकार आयुष अग्रवाल हाय बेटा देख के अच्छा लगा आप सबको मुस्कान कुमारी हंसती रहती है बस श्रेयम झा अब सर बोल दे ठीक है चलो श्रेयम झा क्या कर रहा है यार तू भी क्या लिख गया है चार पांच कपूर की गोली सूंघ के आएगा श्व जा ठीक <laughs> है चलो जोक सा पार्टना है ना दिल पे मत ले लेना नहीं लेते चलो ठीक है आर डिफरेंट स्ट्रक्चर देखना ध्यान से आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट द एलिमेंट्स एटम आर बॉन्डेड टुगेदर इन ए डिफरेंट मैनर देखो लिखा है ना एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं बेटा वो बॉन्डेड होते हैं टुगेदर आपस में बॉन्डेड होते हैं मगर वो डिफरेंट मैनर में होते हैं इसीलिए बेटा वो फिजिकली डिफरेंट होते हैं तो आप ये लाइन लिख लेना या स्नैपशॉट ले लेना बेटा इसका नीरज कुमार एनटीएससी का भी होगा ये चैप्टर ठीक है क्योंकि बेटा मेरा मकसद ये है माय एम इज की मैं आपको ये जो चैप्टर कराऊँ ना वो चैप्टर बेसिक से स्टार्ट हो और हायर लेवल पे जाए जो अभी आप नॉमेनक्लेचर देखोगे ना अभी नॉमेनक्लेचर बहुत तगड़ा तर, तर, टॉपिक होगा 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है ना वैसे नेम हाउ टू नेम डैट कंपाउंड सब सिखाऊंगा मैं आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन सिखाऊंगा तो वो एन का कह सकते हो आप मगर ये तो अभी फिलहाल एनसीआरटी का है पहले ही बता रहा हूं मैं है ना तो क्या हो गया एनसीआरटी का है? तो पढ़ लो तो क्या हो गया बढ़िया चीज है ठीक है नेक्स्ट क्योंकि एन और वो छोड़ो नीट का भी पेपर ना कई सारा एंट्री इस एनसीआरटी में, में से आता है नेक्स्ट पॉइंट इज द एलिमेंट कार्बन अकर इन डिफरेंट फॉर्म इन नेचर विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाई कार्बन आइटम्स सभी को पता है दोनों ही मिलकर बनते हैं कार्बन से द डिफरेंस कहाँ होता है इसमें डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन एन अदर देखो इस, क, इसमें ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में क्या डिफरेंस है कि कार्बन से तो मिलकर बना है चलो मानते हैं मगर उन कार्बन ऐटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी है समझ में आ रहा है ना आवाज आ रही है मेरी हाँ बिल्कुल संकेत बिल्कुल सही कह रहे हो आप नेक्स्ट है इन डायमंड कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग रिजिड थ्री डी स्ट्रक्चर ठीक है कार्बन एटम्स जो होते ना किसके इसमें डायमंड में वो थ्री डी स्ट्रक्चर बनाता कुछ इस तरह से देखो डायग्राम में ये रहा देख पा रहे हो बोलो हाँ ठीक है सो so, बेटा यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये कंप्लीट एक सेकेंड यहां पे ये चीज पूरी कंप्लीट देखो देख पा रहे हैं आप लोग तो इसमें आप यहां पे प्रॉपर चीज दे रखी है कि हां बेटा इसमें कंप्लीट थ्री डी स्ट्रक्चर है क्या ये थ्री डी स्ट्रक्चर बॉन्ड लेंथ इनकी होती है ये जो है ना ये ये पूरे इनकी बॉन्ड लेंथ नियर अबाउट होती है 154 पिकोमीटर बड़ा छोटी सी बॉन्ड लेंथ होती है और इसमें बेटा एक और चीज बता दूं जो बॉन्ड्स होते हैं ना स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड कोई पूछे नाग इसमें कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि आयनिक बॉन्ड है तो कई लोग बोलते हैं हां आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसको एग्जाम्पल बता देना नेक्स्ट है इसमें सबसे मेन बात डायमंड में टेट्राहेड्रल जोमेट्री होती है क्या होती है टेट्राहेड्रल ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अरेंजमेंट इनका होता है टेट्राहेड्रल देख पा रहे हैं आप सभी लोग ये आप लोग लिख लेना बेटा या स्नैपशॉट ले लेना जब मैं इसको आगे कर दूं ठीक है ठीक है तो कंप्लीट जो है स्ट्रक्चर आपके सामने है प्लस एन बुक में कंप्लीटली स्ट्रक्चर में शो हो रहा है साफ साफ आप देख सकते हो कोई भी कार्बन का एटम जो है वो फ्री नहीं है सब बॉन्डेड है इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रांग होता है वो ठीक है चलो तो समझ में आ गया थ्री डी स्ट्रक्चर होता है वो है ना कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन एटम्स ठीक है कोई जगह नहीं होती क्योंकि एक कार्बन एटम जो होता है ना वो अपने आसपास फोर अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड होता है देखो यहां पे कोई जगह ही नहीं है एक एक दो तीन और चार तो ये सारा का सारा फ्री नहीं होता कंप्लीटली इसलिए कहते हैं कि डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड है मैं प्रॉपर इस चीज़ को समझना बेटा यहीं यहीं पे कई लोग वो हो जाता है कंफ्यूजन अच्छा ग्रेफाइट की बात पे आ रहा हूँ मैं अभी पहले डायमंड में और कुछ प्रकाश डाल दूं मैं देवेश गिरी कह रहे हैं एक बार और समझा दो बिल्कुल सही कहा देवेश क्योंकि ये एक बार और समझने वाला टॉपिक है वेरी गुड आपने बोला तो सही कम से कम चलो ओंकार को समझ में आ गया हर्षल आ गया निखिल वर्मा पूछते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या है बेटा अभी ये तो मैंने पीछे जस्ट अभी पन, दस पंद्रह मिनट पहले बताया था तो अब वीडियो को बैक करके एक बार देखिए बेटा है ना निखिल वर्मा तब भी नहीं आया समझ में तो फिर पूछो मेरे से समझा रहा हूँ बेटा देवेश गिरी एक मिनट रुक जाओ यार और बताओ लाइफ कैसी चल रही है सो हाउ इज द जोश सो सो गए सबके सब हाउ इज द जोश हाय सर ठीक है चलिए जी मैं वापस बता रहा हूँ प्यारे बच्चे देवेश गिरी और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जितने भी हैं ठीक है ध्यान से समझना मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ सबसे पहली बात तो है डायमंड की टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है कहने का तात्पर्य अब समझना टेट्राहेड्रल मतलब ये होता है कार्बन आइटम इज बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन आइटम्स खत्म बात तो ये फॉर्म करता है थ्री स्ट्रक्चर 3D मतलब कंप्लीटली आगे पीछे नए पूरा कंप्लीट जैसे अपन देखेंगे एक एक्स और वाई एक्सिस ही नहीं होती पीछे जेड एक्सिस भी होती है वो चीज बता रहा हूं मैं आपको ठीक है ये क्लियर हुआ पॉइंट अब दूसरी पॉइंट है स्ट्रांग कोवलेंट बॉन्ड होता है क्यों ना हो बेटा इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर में बनता है तो स्ट्रांग तो होगा ना वो बॉन्ड ये भी हो गया और नेक्स्ट पॉइंट इस बॉन्ड इसकी होती है 154 पिकोमीटर पीको मीटर हाँ ठीक है निखिल हाँ बिल्कुल कोवलेंट होगा सॉरी मैंने आपका जो कोवलेंट ऐसा पूछ आपने करा ना तो मुझे लगा कि कोवलेंट बॉन्ड टॉपिक कह रहे हो ठीक है निखिल कोई बात नहीं ओके नेक्स्ट एक और चीज बताना चाह रहा हूं मैं फिजिकल सबसे पहले आप देखेंगे तो डायमंड क्या होता, होता. क्या होता है बेटा ट्रांसपेरेंट होता है क्या होता है डायमंड ट्रांसपेरेंट और एक कलरलेस सॉलिड होता है क्या होता है कलरलेस सॉलिड खत्म ये दो पॉइंट ध्यान में रखना और सभी को पता है अगर लिखने को आ गया तो आप ये भी जरूर पॉइंट लिख के आना इट्स स्पार्कल ब्राइटली ठीक है बिकॉज इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट क्योंकि क्या करता है ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट बहुत ज्यादा ठीक है हाँ बेटा हार्डेस्ट सब्सटेंस है नॉन मेटल में अच्छा अब आगे पढ़ते हैं बेटा इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम्स ठीक है अब ध्यान से देखना यहां पे फोर बोल रहा था डायमंड के केस में मगर इस ग्रेफाइट के केस में बोल रहा है बेटा थ्री अदर कार्बन एटम है ना देखना बहुत समझना बहुत ध्यान से ये टॉपिक ना कई लोग स्किप कर देते हैं अपन को स्किप नहीं करना अपन को बहुत तरीके से पढ़ना है एनसीआरटी का टॉपिक है ये कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन घुसा सकता है एनसीईआरटी एनसीआरटी में ठीक है फिर इसके बाद एक बहुत बढ़िया फैक्ट्स भी बताऊंगा मैं आपको देखो बेटा इस ग्रेफाइट के अंदर हर कार्बन एटम में वो बॉन्डेड bond, होता है तीन अलग अलग कार्बन एटम से सिर्फ तीन बोला ये और एक फ्री होता है ठीक है चार होते हैं ना इसकी अगर आप देखें तो तो इन द सेम प्लेन गिविंग अ एरे ठीक है तो वो अगर तीन से बॉन्डेड होगा दो और तीन तो वो एक कंप्लीटली हेक्सागन होता है ना कुछ उस तरह से बन जाएगा अभी दिखाता हूं इमेज में वन ऑफ दिस बॉन्ड इज डबल बॉन्ड एंड दस वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड और उनमें से एक बेटा कार्बन की वैलेंसी तो चार होती है ठीक है अभी देखो इसमें ये देखो ये देखो पूरा ग्रेफाइट है नहीं ये वाला ग्रेफाइट है क्या ये ग्रेफाइट सभी को पता है वो क्या बोल रहा है देखो पॉइंट में ही कह रहा है कि सभी को पता है कि इसकी वैलेंसी क्या होती है सॉरी टू कॉमा फोर होता है ना तो डेफिनेट बात है टू कॉमा फोर इसका ईसी है तो वैलेंसी की बात करें तो फोर है इसकी तो इसमें अगर वो तीन से बॉन्डिंग बना रहा है एक दो और तीन से तो इनमें से बेटा एक तो डबल बॉन्ड होगा ना है ना एक डबल बॉन्ड होगा बाकी के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे क्योंकि बेटा उसकी जो सिमेट्री है एक दो तीन और चार की है ना तो दो में सिंगल बॉन्ड और एक में डबल बॉन्ड इसी वजह से वो क्या बना लेगा एक हेग्जागनल एरे बना लेगा डन बोलो ना हाँ यार चलो देवेश गिरी का आ गया हाय सर हर्षल राणा वेरी गुड हाय सौम्य सिंह का भी हाय है जोश संकेत का तो हाय है हाँ। ही सुखवीर कौर हाय सर यो कार्बन कंपाउंड फतेह करेंगे अपन चलिए शुरू करते हैं वापिस से हो गया हंस रहे हो ना आप लोग मुझे पता है आप लोग हंस रहे हो हंसना भी जरूरी है कभी कभार देखो भाई जो मैं लाइनें लगा रहा हूँ घिस रहा हूँ वहाँ पे ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द हेक्जागनल एरे बीइंग प्लेस्ड इन लेयर वन अबाव अदर ठीक है यानी कि इस हेक्सागोनल एरे में जो होती है ना ये एक पति पतली लाइन से कनेक्टेड होते हैं इसी लाइन्स को बोलते हैं बेटा वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन ध्यान से देखना, इसको बताता हूँ मैं कोवलेंट बॉन्ड होते हैं इसमें ठीक है सबसे पहले ये जो होता है ना इन ये सारे बॉन्डिंग लिखा हुआ पे ध्यान दो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और इसका जो बॉन्ड लेंथ भी बता दे रहा हूं मैं बेटा आपको वन पिकोमीटर वन होती है वन पिकोमीटर वन पॉइंट फाइव ठीक है हो गया इतना होता है और ये जो होते हैं ना आपस में ये देखा है मैंने दो दो लाइनें बनाई हैं ये कुछ इस तरह से एक एरा एक पूरा का पूरा जो है वो नीचे वाले से कनेक्टेड होता है तभी तो स्लिपरी होता है आपसे पूछा जाए ना कि स्लिपरी होने का कारण क्या है क्योंकि तो बेटा इसमें वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जिसको बेटा बोलते हैं वंडर वॉल फोर्स वीक वंडर वॉल फोर्स इसी कारण ग्रेफाइट स्लिपरी होता है देखो मैंने कितनी सारी चीजें बताई अब क्या पता इनमें से कोई क्वेश्चन एन टी एस सी में फंस जाए तो आप लगा क्या जाना अनुज सिंह नमस्ते क्या हाल है नमस्ते बहुत बहुत नमस्ते आपको संकेत हाँ चलो गुड वेरी गुड ठीक है आशा करता हूं मैं एलो बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा रहा हूँ प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको ठीक है इसमें ये लिख देना दिस मेक्स this makes graphite slippery इसलिए वो इसलिए वो बेटा स्लिप हो जाता है अरे हो जाता है ना स्लिप अरे होता है ना स्लिप हम्म चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर आता है बेटा क्या नेक्स्ट वन इज डेट इज फुलरीन क्या आता है फुलरीन तो कुछ पॉइंट्स और ऐड कर लेते हैं अपन फुलरीन पढ़ने से पहले एलोट्रॉप्स फ्रॉम द सेम एलिमेंट डेट डिफर इन देयर बॉन्डिंग हो गया देर आर सेवरल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हो गया टेट्राहेड्रल नेटवर्क मैंने लिखी दिया ये पूरा का पूरा कार्बन आइटम्स लॉग्ड इन टू प्लेसिस हार्ड हार्ड होगा वो और ग्रेफाइड जो होता है शीट्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर मैंने बता दिया लुब्रिकेंट नेचर क्यों होता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन वीक वंड फोर्सेस फिर आता है बेटा अमोफस कार्बन चारकोल सूट है सूट पार्टिकल होते हैं ना कोक है एमरफस हैज नॉट हैज़ नॉट सेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इट हैज़ इरेगुलर पैटर्न्स ऑफ हाई सरफेस एरिया ठीक है डीप केव्स डेट कैन ट्रैप अदर मॉलिक्यूल्स एंड फुलरीन फेरिकल मॉलिक्यूल्स सिक्सटी आइटम्स फुलरीन जो होता है ना बेटा एक फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है क्या होता है और फुटबॉल टाइप सेक्शन और इसको दिया था आर बक मिंस्टर ने कि इन्होंने बड़ा ही अजीब और गरीब नाम है मगर वी वी शुड हैव टू रिस्पेक्ट हिम क्योंकि तो इन्होंने बहुत बढ़िया चीज दी थी और आपने देखा होगा आयरन मैन आयरन मैन ठीक है आयरन क्यों बोल रहा हूँ मैं दैट इज आयरन मैन उसमें आपने एवेंजर्स शायद एंड गेम में आपने देखा था उसका कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी वाला ट्यूब जो सूट था वो तक आ गया था बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होता है सबसे पहली बात और इसका बनना अब स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे ये आ रहा है मार्केट में क्या चीज की बात कर रहा हूँ मैं नैनो ट्यूब्स की ठीक है आर बकमिंस्टर फुलर बिल्कुल सही है और फुलरीन वॉज डिस्कवर्ड इन और कब ये डिस्कवर हुआ था फुलरीन डिस्कवर्ड हुआ था इन नाइनटीन 19... एट्टी फाइव अभी अभी की बात है अभी की एरा है ये ठीक है ऐसा नहीं कि बहुत पुराने जमाने में ऐसा नहीं है अगर आप ओवरऑल देखो तो ये ज्यादा पुरानी खोज नहीं है जस्ट अभी कुछ सालों पहले ही डिस्कवर हुआ है डन अच्छा अब ध्यान से सुनना फुलरीन होता क्या है फुलरीन यार सबसे पहले तो रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है ये एक स्फेरिकल और ट्यूबलाइक एलोट्रॉप है क्या ये पॉइंट समझना ध्यान से इस फेरिकल एंड ट्यूब लाइक एलोट्रोप है डन किसका एलोट्रॉप है कार्बन का द मॉलिक्यूल कंटेन 60 एटम्स ऑफ कार्बन ओ एम जी ये जो दिखाई दे रहा है यानी कि इस फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में हेक्सागन टाइप भी होता है ये देख रहे हो देखना बहुत ध्यान से बड़ा बोरिंग है तो टॉपिक मगर मैं भी देखो कैसे समझा रहा हूं आपको बट ठीक है आप लोग बहुत ध्यान से समझो ये बहुत कम समझ रहे हो ना C60 C70 C74 और तो और C78 तक जाता है यानी कि फुटबॉल में 78 कार्बन तक हो सकते हैं वो भी हेक्सागनल अरेंजमेंट में या फिर पेंटागनल अरेंजमेंट में और वो ऐसे हेक्सागन पेंटागन हेक्सागन करते 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 वो पूरा फुटबॉल जैसी या स्पीशीज टाइप कुछ बना लेता है दैट इज टाइप स्पीशीज है ठीक है तो एग्जाम्पल में लिखे आ जाना टाइप्स ऑफ फुल क्या क्या, क्या हुए है सी सिक्सटी सी सेवनटी सी सेवेंटी फोर सी सेवेंटी एट डन दे आर द मेंबर्स ऑफ फुलरीन फैमिली क्या होते हैं ये ये मेंबर होते हैं जैसे कि आप भी मेंबर हो अपनी फैमिली के ठीक है बेटा प्यारे से मेंबर बट C60 सिक्सटी इज द मोस्ट स्टेबल वन ठीक है इसलिए सबसे ज्यादा लोग इस C60 की पूजा करते हैं ठीक है अच्छा जी द मॉलिक्यूल मैंने बताई दिया कंटेनिंग सिक्सटी आइटम्स ऑफ कार्बन हैज बीन नेम्ड एज बकमिंटर फुलरीन खत्म हो गई बात हो गया तो आता है सबको फुलरीन हैज बीन नेम्ड आफ्टर अमेरिकन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर आर बकमिंसर फुलर लिख चुका हूं मैं नाम सबसे टॉप मोस्ट राइट निचले पार्ट में आप आंखें फाड़ के देखोगे तो आपको मिल जाएगा ठीक है जिसको हम जियोडेसिक डोम्स जो होता है ना वो जियोडेसिक डोम्स फॉलो सिमिलर बिल्डिंग प्रिंसिपल डन तो यही चीज है इसी चीज का नाम है बेटा फुलरीन और इसमें 20 हेक्सागन होते हैं सी वाले में और 12 पेंटागन होते हैं कार्बन एटम के मैं लिख दे रहा हूं भूल जाओगे प्यारे बच्चों अभी रुकना स्नैपशॉट का टाइम दूंगा स्नैपशॉट ले लेना है ना मैंने क्या जहर फूका अभी देखो ट्वेंटी हेक्सागन एंड ट्वेल्व पेंटागन ठीक है ये इसमें होते हैं किसमें होते हैं सी सिक्सटी में समझ में आ गया बोलो हां आ, क्या बात है विनोद आ गया है वाह भाई वाह मैं भी विनोद तू भी विनोद बच्चे भी विनोद जेफ बेजोस भी बिनोद नील आम सॉन्ग भी बिनोद सब विनोद ही विनोद और हमारे प्यारे बच्चे गोविंद कह रहे हैं रिप्लाई मी गोविंद मैं रिप्लाई कर तो रहूँ बेटा सबका रिप्लाई कर, कर रहा हूँ गोविंद कह रहे हैं सर आप एन ए सी जी एस लेवल या आई आई टी फाउंडेशन तक पढ़ाओगे बेटा मैं पढ़ा दूंगा क्यों नहीं पढ़ाऊंगा मगर अभी के लिए मुझे बोला गया है जस्ट यू हैव टू डू दिस कार्बन कंपाउंड बोला तो क्या क्या है मैं एक्चुअली मैं बच्चों की हाई डिमांड से मैंने खुद ने टॉपिक लिया है ठीक है समझ में आ रहा है ना क्योंकि कुछ जैसे अपने आ, मेरा जो क्राइटेरिया जैसे फॉर एग्जांपल रहा है वो एन बेसिस पे तो मैं एन का तो डेफिनेटली पढ़ाऊंगा प्लस सारी क्लासेस का पढ़ाऊंगा नाइन्थ भी टेंथ भी इलेवंथ भी पढ़ाता हूं कोई दिक्कत नहीं है ट्वेल्थ भी पढ़ाता हूं बट देखें आगे से अगर आ जाएगा तो मैं इलेवंथ भी आपको पढ़ा दूंगा ट्वेल्थ भी पढ़ा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है मेरे को ठीक है तो गोविंद ने अपना मैसेज डिलीट कर दिया है और उसको लगता है चलो कोई बात नहीं देवेश गिरी चलो वेरी गुड सर हर्ष धमाने थैंक्स सर यू आर टीचिंग अरे हर्ष आपकी खिदमत में एनी टाइम फॉर यू बेटा श्रेयांश तिवारी पूछते हैं सर आपके सारे वीडियोस रहेंगे यूट्यूब पे रहेंगे बेटा क्या मैं? रहेंगे तो सर ही ठीक है क्योंकि अन अकेडमी जो है यूट्यूब पे पूरा प्लेटफॉर्म है ठीक है आप उसमें फ्री देख सकते हो रहेंगे अनुशी बेटा क्या हाल है ऐसे मत बोला करो कॉल माय नेम कॉल माय नेम बेटा मैं सबका नाम लेता हूँ चाहे कोई भी हो सबका नाम लेता हूँ मैं कोई भी कमेंट सेक्शन में करता है जो मगर मेरा फर्स्ट फोकस स्क्रीन पे रहता है ठीक है फिर मैं दो मिनट का गैप लेके मैं फोन देखता हूँ कि अरे यार इसी बच्चे का डाउट है क्या ठीक है अनुषी ओके डन सार्थक शुक्ला क्या हाल है बेटा बोलते हैं सर मैंने क्लास 11 की पार्ट वन केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली क्या बात है ओएमजी वेम जी हलवा नहीं है बहुत सही बात है मूल कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री आता है पूरा उसमें थर्मोडाइनामिक्स आता है केमिकल बॉन्डिंग हे भगवान बहुत बढ़िया सार्थक देवेश गिरी सर ये चैप्टर डेली इसी टाइम पे पढ़ाओगे अरे बिल्कुल देवेश आपने बोला और मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल पढ़ाऊंगा कल भी आ रहा हूं मैं कल प्रकट होऊंगा मैं पौने सात बजे सात बजे नहीं पौने सात बजे प्रकट होऊंगा मैं ठीक है नारद मुनि थोड़ी हो जो प्रकट हूँ श्रेयांश तिवारी ओके सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप अरे थैंक यू श्रेयांश थैंक यू ऐसे कमेंट्स देख के तो ये सुन के देख के आप ऐसा लगता है और भी ज़्यादा अच्छा पढ़ाऊँ मेरे अपने ही तो वो सारे के सारे यार अनुश्री ओके सर सॉरी अरे अनुशी नो नीड टू बी सॉरी बेटा ऑल गुड चिल मारो सो फार सो गुड थोड़ा सा जलपान पी लूँ मैं ठीक है दैट इज एस्ट टू थक जाता है और सूख जाता है गला बड़ा बड़ा गेमर टेक पूछते हैं क्या पढ़ा रहे हैं सर अरे बेटा गेमर टेक में जो ईयरफोन्स है ना आपके पास जो पड़े चुभने वाले ईयरफोन ठूस लो ठीक है और फिर देखो क्या पढ़ा रहा हूं मैं हा क्विज अरे मैंने बिल्कुल सही बोला क्विज अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फर्स नेचर ऑफ कार्बन सो तो बेटा सबसे पहले क्विज बेटा आने वाला है बस नेक्स्ट क्विज ही है, देखो ये आ गया तो सबसे पहले कैटिनेशन जो है बेटा कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ये डेफिनेशन ऐसे नहीं करना आपको है ना द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज मोर देन थ्री मिलियन जो मिलियन ध्यान देना इट इज मोर देन नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड फॉर्म बाय ऑल अदर एलिमेंट यानी कि जो कार्बन के जो कंपाउंड है ना डेफिनेट यही नहीं होता सिर्फ कार्बन ही अकेला नहीं कार्बन कंपाउंड बोल रहा हो कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है कार्बन के साथ फ्लोरीन भी है क्लोरीन भी है नाइट्रोजन भी, भी है बहुत सारे ऑक्सीजन भी है सी वाला चीज है ना तो उसमें द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज मोर देन थ्री मिलियन सोचो तो कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये कार्बन तो कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड दैट इज थ्री मिलियन इट इज मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ऑल अदर एलिमेंट्स थ्री मिलियन मैं तो सब्सक्राइबर ही नहीं सोचे थ्री मिलियन मेरे वाले यूट्यूब पेज पे खैर कोई बात नहीं दिस इज बिकॉज कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन डेफिनेट बात है पहला पॉइंट क्या कहता है कैटिनेशन का इसका रीजन ये है बिकॉज कार्बन का जो एटम्स होता है ना इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स यानी कि ये क्या करता है ये कार्बन का एटम्स अदर कार्बन आइटम्स के साथ बॉन्ड तो बनाते बनाता है और लॉन्ग चेन सहित तो और बनाता है फॉर एग्जाम्पल कार्बन है यहां पे चार इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये एक और कार्बन के साथ अटैच होगा और ये बना लेगा बॉन्ड और बाकी के हाइड्रोजन के साथ भी कनेक्ट हो सकता है नहीं तो एक और कार्बन के साथ भी कनेक्ट हो सकता है तो सोचो कितनी बड़ी चेन बन सकती है ना है तो इसीलिए कार्बन में वो कैपेबिलिटी होती है कि वो लार्ज और बहुत सब बड़ी बड़ी लॉन्ग लॉन्ग चेन बना सके इस चीज इस प्रोसेस का नाम बेटा है कैटिनेशन ठीक है और ये ब्रांच चेन भी बनाता है क्लोज चेन भी बनाता है ठीक है ब्रांच कैसे हो जाएगी ये कुछ इस तरह से है ये ब्रांच निकल गई बाकी सब पे हाइड्रोजन लगा दो मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा आपको कि जब मैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स पढ़ाऊंगा जो कि आपको आता है मगर वो मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा तो जरूर कल का वाला लेक्चर मिस मत कर देना भूल के भी ठीक है तो इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं डन हो गया टेट्रा वैलेंसी जल्दी से निपटाओ टेट्रा वैलेंसी सभी को पता है बताया नंबर ऑफ कार्बन इज छ सभी को पता है ना ईसी कितना है टूकोमा बोलो फोर चार वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिजेंसी ऑफ कार्बन इज फोर अभी पूरी की पूरी मैंने पढ़ाई थी यही सारी बात तो डेफिनेट बात है इसकी टेट्रा वैलेंसी होती है इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स और विद एटम्स ऑफ एक सेकेंड डाउट यहाँ पे क्या मचा रखी है कमेंट सेक्शन में संकेत यादव सर स्पेशल एन टी एस सी कब पढ़ाओगे संकेत पढ़ाऊंगा यार अभी मुझे हाई बहुत ज्यादा डिमांड थी ये वाला चैप्टर पढ़ाने तो मेरी मजबूरी थी पढ़ाना ही था वो भी ले लियाँगा आपके लिए चिंता मत करो गेम अटैक क्या पढ़ा रहे हैं सर क्या पढ़ा रहे हैं सर बेटा कार्बन कंपाउंड पढ़ा रहा हूँ यार सौम्या सिंह सर क्विज बस सोम्या सेकंड एक मिनट में क्विज दे रहा हूं मैं है ना गेम अटेक फिर वही बोल रहा है ओंकार यू आर टीचिंग टू गुड थैंक यू सो वेरी मच ओंकार वंस अगेन कल भी आपने मेरा दिन मनाया था आज भी आपने बना दिया अंशिका गुप्ता गुड इवनिंग सर हाउ इज योर हेल्थ हेल्थ बढ़िया है बेटा और भी अच्छी होगी आपको देख के है ना सर एक बार फिर से समझाइए मैं बताता हूँ समझा रहा हूँ वापस है ना सर एक बार फिर समझाइए आकाश बिन गुड इवनिंग बेटा आकाश विनोद वापिस आ गए हैं विनोद क्या कपूर की गोली खा के आए क्या प्यारे बच्चे क्या बार बार कमेंट सेक्शन कर रहा है देखो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया टेट्रा वैलेंसी जिसके आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन है ठीक है और उसका चार बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये, ये इसीलिए लिखा है बेटा मैंने चार इट कंटेन्स फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन सो द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फॉर डेफिनेट बात है इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी चार मतलब कि ये होता ही टेट्रा वैलेंट है टेट्रा वैलेंसी इसमें होती है खत्म होगी बात इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स यानी कि डेफिनेट बात है यहां पे कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता उनके लिए बता रहा हूं वापस ये चार इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी कि चार इलेक्ट्रॉन इसमें ऑलरेडी हैं तो ये क्या करेगा बेटा इसी काबिलियत के भरोसे ये कार्बन अन्य कार्बन एटम्स के साथ क्योंकि अन्य कार्बन इलेक्ट्रॉन है तो यहां से अटैच हो सकता है तो बेटा इसीलिए मैं कह रहा हूं ये ब्रांच भी बना सकता है स्टेट भी बना सकता है क्लोज रिंग भी बना सकता है वो आप, मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताने वाला हूं क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का कराऊंगा इलेवन ट से ठीक है तो आपको अच्छा लेवल तो होगा एक क्वेश्चन बताओ ये क्वेश्चन आया हो क्वेश्चन है इसे बता रहा हूं मैं वाई कार्बन शोज मैक्सिमम कैटिनेशन अमंग ऑल द एलिमेंट तीन नंबर का आया था ये वाई देखना ध्यान से देखना वाई कार्बन इसका स्नैपशॉट ले देना बाद में शोज मैक्सिमम कैटिनेशन एलिमेंट चलो बताओ इसका आंसर क्या है तो इसका जो आंसर क्या है देखो ध्यान से बस यार बेटा ये क्वेश्चन कर, कराते ही मैं कुछ करा दूं मैं कुछ पार्ट स्किप नहीं करा सकता आपको वो अगर मैंने स्किप करा दिया तो आपके साथ बहुत वो हो जाएगी क्या बोलते हैं उसको एनी uh, वे anyway. बोलते ना कि आ, देखो कोई बात नहीं देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसका जवाब क्या है कार्बन क्यों शो करता है मैक्सिमम कैटिनेशन क्योंकि बेटा इसका स्मॉल साइज होता है क्या होता है size, पहला point. दूसरा पॉइंट क्या है बिकॉज इट हैज यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन क्या होता है इसका इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन यूनिक होता है बेटा सभी को पता है टू होता है मगर ये लिख के आने वाली चीजें नंबर आपके ऐसे नहीं आएंगे कुछ भी लिख के आ जाते हो नहीं बेटा आपको यही लिखना है ना और आखिर ये ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड अब कुछ खेलेंगे बेटा अपन है ना कार्बन कार्बन बॉन्ड डन और वो कार्बन कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ पता कितनी होती है थ्री फिफ्टी फाइव के जी सॉरी केजे पर मोल इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है ठीक है चलो नेक्स्ट वेरी गुड बेटा संकेत वेरी गुड अभिषेक अभिषेक कहते हैं सर पिद्दी होता है कार्बन और यूनिक वेरी गुड आपने सही कहा पिद्दी होता है ठीक है बट आपको पिद्दी लिखे आ गया ना एग्जाम में तो मैडम जी पिद्दी बना देगी आपको ठीक है अब को अच्छे से लिखना है तीन पॉइंट खत्म होगी बात अब आगे कोई खेलेंगे अपन ठीक है डन सुनो आगे तो मेंटी को इस चालू होता है अब तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे तु 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 तु। चलो पहला विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड और आपका समय शुरू होता है अब जल्दी इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी जनरली जो है वो प्रॉपर्टी शो नहीं करता आइनिक कंपाउंड वाला पहला है सोलबिलिटी इन वाटर तो डेफिनेट बात है सोल्यूबल तो होते हैं ना बच्चों मनोज यादव हेलो बेटा अनुषी पुनिया हाँ अनुषी आपने दिया है आंसर वेरी गुड बेटा सो प्राउड ऑफ यू विंडोज वेब एक्टिवेट हो करोगे सर अरे बेटा मेरा जो लैपटॉप है ना बड़ा थोड़ा सा पुराना है मैंने इंजीनियरिंग टाइम में लिया था और अब ये पूरा का पूरा बूढ़ा हो चुका है बूढ़ा शेर है ये तो अभी देखो गर्म हुआ पड़ा है मैं आपसे एक घंटे हो गया ना तो अभी एक और लेक्चर है मैं उसको फिर ऑफ करूँगा ठंडा करूंगा, करूंगा लैपटॉप को ठीक है शिवम बाय बेटा गुड नाइट देवेश गिरी विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ हेलोजन ग्रुप बिल्कुल सही कह रहे हो देवेश हेलोजन के साथ भी वो रिएक्ट करता है गुड नाइट ओके सो uh, सॉरी so कहते हैं कैसे हो सर लव 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 आई एम गुड बेटा आई होप आप भी बढ़िया होंगे सर एन टी एस सी क्लियर करने के बाद क्या होता है क्या बेनिफिट्स हैं इसके बेटा देखो एक बात बताता हूँ एन टी एस सी जो होता है ना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है सभी लोग जानते हो ठीक है इसमें क्या होता है ये क्लियर होती है आपके पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट इज नॉलेज स्किल्स आपकी बढ़ती है ठीक है दूसरा पॉइंट कहीं पे भी जैसे आप ए, आ, कोचिंग लेने जाओ ठीक है एक सर्टिफिकेट एक जो कोचिंग में अगर आप जाओ तो वो सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं बेटा कि हां मैं एन क्वालिफाइड भी हूं प्लस उसमें आपको फीस बेनिफिट भी मिलता है प्लस एक तरफ से रुतबा भी पड़ता है कि हाँ यार मैंने एन जो है वो क्वालिफाई करी है ठीक है लाइफ टाइम सो एन टी बढ़िया एग्जाम है तीसरी चीज बताना चाहूंगा एन के बारे में अगर बेटा आपने एन क्रैक करने का जज्बा नहीं होगा ना Unless, जब तक आप नीट और जेडब्ल्यू मीन की जो एग्जाम होते हैं ठीक है इनका भी जज्बा क्लियर रख नहीं पाओगे क्योंकि ये एक बिगनिंग होती है और इस धीरे धीरे जो बिगनिंग आती है वो कहां से आती है कैसे आती है सारे धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करके अंशिका समझ में आ रहा है तो अगर आपने ये क्रैक कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ आप नीट लोग बायो लोगे अंशिका क्या या मैथ्स लोगे पी या पी कविता ऐड हुए हैं कविता ने डी आंसर दिया है मनोज यादव मैं कभी किसी को इग्नोर नहीं करता बेटा है ना संकेत ने बी दिया है मगर कई लोगों ने डी दिया है कविता ने डी दिया है मनोज यादव सो जाओ अच्छी नींद आएगी चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोक्षित जैन पूछे एनटीएससी से होता क्या है बेटा मैंने अभी अभी तीन पॉइंट्स बता दिए क्या क्या होता है ठीक है तो सॉल्युबिलिटी होती है बिल्कुल होती है मगर ये बोल रहा है नॉट वाली बात कर रहा है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट होती है होती है मगर डी इज द राइट आंसर बिल्कुल सही कहा कविता ने वेरी गुड तो सौम्य सिंह आपका आंसर थोड़ा सा करेक्ट करो या बेटा देवेश गिरी आपका भी आंसर ना देखो बेटा मैं बता सिंपल सी बात है आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है क्वेश्चन हमें नॉट पूछ रहा है देखो ये नॉट चीज पूछो देखो सोल्यूबल भी होता है आयनिक कंपाउंड में आयनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी करता है मगर वो मोल्टन स्टेट में करता है मगर वो सॉलिड स्टेट में ये सॉलिड है ठीक है सॉलिड स्टेट में नहीं करता है तो जब हमें पूछा गया है नॉट तो हाँ, आंसर शुड बी डी दैट इज कविता ने बिल्कुल सही आंसर दिया तो सेकंड जो है सेकंड का बताओ अच्छा अभी से कोई बात नहीं बेटा हर्ष धमाने बेटा हो गया सर आंसर डिस्कस कर लो बेटा कर रहा हूँ कर रहा हूँ डिस्कस अरे ये कहाँ से खुल गया देखो कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ क्या कार्बन कैसे एग्जिस्ट करती है एटमोसफेयर में बताओ बेटा आंसर बी होगा ना क्योंकि तो वो दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करती है कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है और डाइऑक्साइड भी होता है मगर आप देखो यहां पे थर्ड वाला द नंबर ऑफ सी एच बॉन्ड इन इथेन कितने होते हैं काउंट करो इथेन क्या होता है दो कार्बन एक दो तीन चार इसमें भी टेट्रा वैलेंसी है तो तीन चार इथ मतलब क्या होता है बेटा दो कार्बन तो देखो बेटा इसमें कितने बॉन्ड्स है काउंट करो अब मुझे बताओ मैंने बना दिए आपके सामने कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड देखो एक दो तीन चार पांच वुड बी द राइट आंसर सिर्फ पूछ रहा है कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन का नहीं पूछ रहा तो बेटा एक दो तीन चार पांच और फोर्थ वाला अरे बड़ा हलवे क्वेश्चन है यार जल्दी से कर दो राहुल शर्मा हाय बेटा ऑल गुड अनुषी ने जवाब दिया सी देवेश ने जवाब दिया ए मोक्षित हाँ सच में बहुत आसान है मोक्षित और मुझे पता है मोक्षित से शायद आपको ऑलरेडी आते होंगे ठीक है हाँ हाँ मैं समझ गया इजी है मुझे पता है मोक्षित क्योंकि मेरा आज को पढ़ाने का टॉपिक जो इजी का ही रखा गया था ठीक है श्रेयास सेवारी सिक्स रूबी रंजन आई वोट रिपीट दिस मिस्टेक ओ रूबी रंजन क्या हाल है ऑल गुड अरे कोई बात नहीं रूबिर कोई बात नहीं है ना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड कौन सा सही है कार्बन कंपाउंड गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं क्या पूछ रहा हूं मैं पुअर कंडक्टर होते हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स या दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स बताओ फोर्थ का आंसर बताओ करिश्मा कंदोई हाय बेटा देवेश ने सी जवाब दिया जल्दी बोलो मैं आपको सारे फिफ्थ और सिक्स का आप एक तो ना लिख के बताओ क्वेश्चन नंबर फोर का ये है फाइव का ये है ना जल्दी करो पहले तो मैं आपको बताऊं कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं सेकंड वाला तो आंसर इन दो में से आना पड़ेगा अच्छा ना ज्ञान की थोड़ी बातें मिल रही है अब मुझे बताओ बी और डी में से ऑप्शन कौन सा हो सकता है चलो मैं डिस्कस करता हूं देखो पहला पॉइंट तो ये है कि सेकंड ऑप्शन जो है ना वो राइट right है डेफिनेटली दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई बात है ना बैड कंडक्टर होते हैं दूसरा पॉइंट बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें वीक वॉल फोर्सेस भी होते हैं क्या होते हैं वीक वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि डायमंड एक अनोखा एग्जाम्पल है वो एक्सेप्शन है डायमंड मत सोचना वीक वंडर वॉल फोर्स में अगर आप देखो तो इट डू नॉट हैव स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि मिथेन की भी बात करोगे तो बेटा उसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है और ये लाइट बड़ा हल्का होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी इसको हम बोलेंगे बेटा तभी वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो टू एंड फोर वुड बी द राइट ऑप्शन तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका डी फोर्थ का आंसर है डी डन फिफ्थ का आंसर बताओ मैं आपके जब तक कमेंट्स देख रहा हूं है ना हाँ अनुश्री बिल्कुल सही है वेरी गुड अनुश्री श्रेयम झा बिना कुछ बोले आप करके और जाओ ठीक है बहुत बढ़िया है देवेश ने फोर का बी बताया देवेश फोर का डी आना चाहिए देखो मैंने अभी आपको पूरा लॉजिक बता दिया ठीक है नेक्स्ट देखो अनुश्री ने भी दे दिया इसका आंसर हाँ कोई बात नहीं मोक्षित वो कुछ लोग करते हैं ना देवेश गिरी थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू थैंक यू देवेश फिफ्थ का देखो मैं बताता हूँ कार्बन फॉर्म्स फोर कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन विद फोर यूनिबेलेंट एटम आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फोर बॉन्ड कार्बन कंटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ऑफ बताओ किसका कार्बन अचीव करता है फिफ्थ का क्या होना चाहिए नियोन डेफिनेटली नियॉन का कितना होता है बेटा टेन होता है बहुत सही जवाब दिया पहले बच्चों आपने नियॉन का टेन होता है तो टू एट हो जाता है वेरी गुड बहुत सही है आखिरी क्वेश्चन सिक्स वाला प्रखर बोलते हैं हे पीपल वॉट्सअप यो बेबी ऑल गुड रंजोत सिंह कहते हैं फिफ्थ का बी बिल्कुल सही है बहुत बढ़िया देवेश गिरी नियोन वेरी गुड रूबी रंजन न्योन क्या बात है ओंकार का भी आ गया बिल्कुल करेक्ट आंसर संकेत जाधव का आ गया था वेरी गुड सौम्य का तो बहुत पहले आ गया था रूबी रंजन मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ रूबी आप कैसे हैं सौम्य सिंह देवेश गिरी थैंक यू अगेन सिक्स का देखो अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड वेन कब बनता है भाई वो कंबाइनिंग ऐटम शेयर द इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल करता है कंबाइनिंग एटम आर अट्रैक्टेड बाई ईच अदर नहीं अट्रैक्ट कहा होता है हो? शेयर होता है वो तो Ions of atom are by force of होता है वो तो शेयरिंग करता है अभी सिखाया था तो आंसर शुड भी बोलो ना ए क्या बात है संकेत का आ गया ओंकार का आ गया सौम्य का आ गया सबसे पहले अनुषि का बेटा बहुत बढ़िया अनुषी आप बहुत अच्छा कर रहे हो अनिमेश का थोड़ा सा गलत आंसर है अनिमेश थोड़ा करेक्ट करो उसको वापिस देखो श्रेयश के बारी ओके बेटा सिक्स का ये बहुत सही है क्या बात है मजा आ गया यार चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ राउंड टू लेट अस स्टार्ट जल्दी जल्दी हाँ बिल्कुल सही है अनुशी बहुत बढ़िया अरे रूबी थैंक यू वेरी मच मुझसे ऑनलाइन पढ़ना इट्स अमेजिंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैं एक बोर्न टीचर हूँ प्रो टीचर हूँ मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए खिदमत में हमेशा उठ रहूंगा ठीक है सो थैंक यू अगेन थैंक यू आप मुझे एक बहुत बढ़िया एक मेंटर बोल सकते हो एक बड़ा भाई बोल सकते हो टीचर तो खैर ही मैं सर हूँ मैं ठीक है सो आई एम Always there for you guys, है ना फर्स्ट का बताओ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर अरे अभी बताया था ये आंसर डी है अरे देख रहे हो ना बच्चों देखो ये वाला आंसर ये अभी सिखाया था ये चीज पे ध्यान दो ये देखो डन बहुत बढ़िया सबका डी आ गया बहुत प्यारे बच्चे हो यार वेरी गुड नेक्स्ट देखो सेकंड द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कौन सा होता है जल्दी बताओ एबीसीडी सेकंड का प्रशांत बोलते हैं सेकंड का ए रूबी रंजन कह रहे हैं डी uh, प्रशांत ओहो आपका गलत जवाब है रूबी का रूबी रंजन आपका बिल्कुल सही जवाब है संकेत का आ गया डी है बहुत सही है यार बड़ा आसान है डी आंसर है ऑक्सीजन कुछ इस तरह से होता है हाइड्रोजन इधर आ गया और ये क्या बन गया बेंड स्ट्रक्चर होता है मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा ठीक है बेंड स्ट्रक्चर सॉरी सॉरी ये डुप्लेट तो ये होगा इसका और ये इसका डुप्लेट होगा और इसका कंप्लीटली ऑक्टेट होगा ठीक है चलो थर्ड क्वेश्चन का जवाब दो ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट डुप्लीकेटिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट रीजन ऑफ दिस बिहेवियर इज डेट ग्रेफाइट इज बताओ अभी ग्रेफाइट पढ़ाया था मैंने आपको एस कार्बन देखो आप लोग आगे आंसर का नाम क्वेश्चन नंबर लिख के जवाब दो यार मैं कंफ्यूज हो जाता हूं प्रखर का ए आंसर आ रहा है हैज कार्बन एटम अरेंज इन लार्ज प्लेट ऑफ रिंग स्ट्रॉन्गली बाउंड कार्बन एटम विद वीक इंटरपोलेट बॉन्ड सही है ए आंसर है वेरी गुड फोर्थ का बताओ फोर्थ का इज एलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ क्या अरे आसान है कार्बन होगा ठीक है आपको ऑलरेडी आता है फिफ्थ का बताओ है ना ग्रेफाइट कार्बन एटम्स आर अरेंज इन विच पैटर्न अरे अभी बताया था बेटा ग्रेफाइट में जल्दी ग्रेफाइट में कार्बन अरेंज किस पैटर्न में अरेंज होते हैं जल्दी प्यारे बच्चों जल्दी बताओ लव यू ऑल यार थोड़ा सा और बस ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा फिर अपन मेरा क्या नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है अन अकेडमी साइट पे तो खाना वाना भी खाना है फिर मेरे को थक हो रही है मैं कोई बात नहीं रूबी रंजन का भी आया ओंकार का भी आया सौम्य का भी आया देवेश का भी, फिफ्थ का भी आया है अब बहुत सही है यार सौम्य का वंश खरे का आ गया है रंजोत का आ गया है संकेत का आ गया है बहुत सही है श्रेयस का सबसे पहला आएगा कार्बन वेरी गुड श्रेंश और बाकी सारे बच्चों जिनका भी मैंने नाम लिया फिफ्थ का बी आंसर है अभी बताया था एक्जनल एरे होता है उसका ठीक है नेक्स्ट इज आखिरी क्वेश्चन कैटिनेशन इज अब भी अभी सिखाया था क्या होता है अब जल्दी से बता दो मोक्षित हाँ बेटा मैं टेंथ का पढ़ा रहा हूँ मुझे पता है आपको बड़ा इजी लगेगा बट बेटा कुछ बच्चे हैं उनके साथ उनको इंसाफ देना है मेरे को इंसाफ बोले तो बेचारे जो भी बच्चे हैं उनको बेसिक से पढ़ना है उनके लिए बेटा ये चैप्टर है ना तो ये एन का नहीं था बिल्कुल बी ऑप्शन देखो कैटिनेशन फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड तो नहीं होता सही है लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट बिल्कुल सही है है ना इनडेफिनेट लिंकिंग ऑफ कार्बन नहीं होता है ना द फॉर्मेशन ऑफ फोर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता ठीक है तो आंसर शुड बी बी मैंने अभी डेफिनेशन बता दी थी प्यारे बच्चों आपको ये री कैटिनेशन की डेफिनेशन प्लस हमने बहुत बेटा ये बिगिनिंग था ठीक है जो कि मैंने आपको इस दौरान अच्छे से पढ़ाया जो कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकता है आपने औरों से पढ़ाओ पड़ा होगा मुझे पता है मगर ये सटीक मेथड है ये सारा बेसिक पढ़ने का ठीक है आई होप सबको समझ में आया होगा मैं आज का मेंटी क्विज़ और राउंड टू वाला क्विज़ आज ही यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ ठीक है और इसी के साथ बेटा आपसे विदा ले रहा हूं मुझे बहुत अच्छा लगा आज वापस से आप सभी लोगों से आज प्लस और भी बच्चे जैसे अनुषी हैं प्रखर हैं और हमारे प्यारे बच्चे मोक्षित हैं ओंकार हैं वापिस से है जुड़े वंश खरे जुड़े सौम्य सिंह जुड़े संकेत हैं प्रशांत है, है अनुषी हैं ही है, ये हैं हिमांशु हैं थैंक यू सो 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 वेरी मच ठीक है शुक्रान अलविदा मास टेक केयर एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू माई लवली 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 स्टूडेंट्स आई लव यू ऑल ठीक है और मैं वापिस से मिलता हूँ नेक्स्ट धमाकेदार एपिसोड में कल मिलूंगा मैं आपसे ठीक है तो अभी मेरी वापिस से क्लास है और बाकी सारे बच्चे मैंने जिन जिन का भी सबका पहले नाम लिया देवेश है सारे सारे जितने भी सारे स्पेशली रूबी रंजन और मेरा प्यारा आदित्य सब सब बच्चे ओंका सारे बच्चे थैंक यू सो वेरी मच कल मिलता हूँ मैं नए से जैसे चालू करेंगे सेचूरेटेड कार्बन से पढ़ाऊँगा पूरा का पूरा मस्त लेवल का आ जाएगा ठीक है गुड नाइट ऑल ठीक है एंड